जय हिंद दोस्तों, मैं हूं रशीद अली साहब फौजी। आप देख रहे हैं डेली न्यूज चैनल। नई खोज खबर के साथ डेली न्यूज चैनल आज मौजूद है कितवई नगर पुखराया कानपुर देहात में, जहां पर मैं जिस बच्चे के पास बैठा हूं, आप लोग हमारे वीडियो के जरिए से देख रहे होंगे। ये बच्चा जो माँ अपनी गोद में लिए हुए है, बच्चा छोटा दिख रहा है आपको, लेकिन ये 10 साल का बच्चा है। ना ही कुछ 10 साल से खा रहा है, ना ही कुछ घूमता है। पैर इसके देख रहे हैं आप, बिल्कुल पतले से पैर हैं, और चेहरा भी देख रहे हैं आप, कितना छोटा चेहरा है। लेकिन ये बच्चा 10 साल का है। इनके माँ बाप बहुत गरीब हैं, इलाज बहुत इन्होंने कराया है, लेकिन अब इनकी स्थिति ऐसी नहीं है कि ये इलाज करा सकें। और मजदूरी करके ये लोग अपना पेट भरते हैं। इनकी जो बच्चे की माँ है, ये जो मेरे सामने बैठी हुई है, ये भी कहीं घरों में बर्तन वर्तन का काम करके अपना पेट भरती है। इनका जो आदमी है, वो भी कहीं मजदूरी करके अपना बच्चों का पेट भरता है। ना ही इनके पास मकान है, किराए पे रहते हुए हैं। इनके साथ में और भी जो लोग हैं, उनसे भी इसी पर चर्चा करेंगे। पहले इनकी बच्चे की माँ से बात कर लेते हैं कि बच्चे की क्या पोजीशन है, वो बताएंगे। आप बताइए ज़रा बच्चे के बारे में। 10 साल से इलाज कराया, लेकिन कोई लाभ नहीं मिला। उसके बाद हम मजदूरी करते हैं, बर्तन चौका करते हैं, किराया मकान का देते हैं, बिटिया का पेट पालते हैं, अपना पालते हैं। आदमी भी मेहनत मजदूरी कर लेता, लेबरी वेबरी, और इसके बाद कोई इलाज कराया, सब कोई लाभ नहीं मिला। अब हम इलाज कराने लायक नहीं है, चाचा आप बताइए ज़रा, आगे आइए कि इस बच्चे की पोजीशन, ये यहाँ रहता है, आप पड़ोसी हैं, क्या पोजीशन है बच्चे? इस बच्चे की जन्मजात से बिल्कुल विकलांग है जी। ना वो चल पाती है जी, ना वो कुछ खाना खाती है जी, केवल ये 50 ग्राम दूध से ही पीती है जी। आप बताइए ज़रा बच्चे के बारे में। जब से मैं यहाँ हूँ, जब से देख रहा हूँ, इसकी यही पोजीशन है, ना चल पाती है। आप बताइए जरा बच्चे की स्थिति के बारे में। देख रहा हूँ, सबसे अच्छा ही देख रहा हूँ। हाँ हाँ, 12 साल हूँ मैं। हाँ, गाई को खाती रही। अच्छा, यानी गरीब हैं ये लोग, इनके पास दूसरा कोई चारा है नहीं, खेती है नहीं, जमीन है नहीं, कोई नौकरी पेशा है नहीं। आप बताइए बहन जी, इस बच्चे के बारे में ज़रा समझाइए। अच्छा जी 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 जी, तो आप अपने समाज सेवी जो संस्थाएं हैं, उनसे कुछ अपनी तरफ से अपील करेंगे इनकी मदद के लिए? कैमरा मैन से मैं कहना चाहूँगा कि वो जो बैंक अकाउंट आप है, उसको ज़रा स्क्रीन पर दिखाएं। और मैं अपील करता हूँ सरकार से भी, प्लस समाज सेवी संस्थाओं से, और पर्सनली जो समाज सेवी व्यक्ति हैं, उनसे मैं पूरी तरह से अपील करता हूँ कि इस गरीब की किसी तरीके से मदद की जाए, जिससे कि इस बच्चे का कुछ ज़िंदगी बन सके और इन लोगों का पेट भी भर सके। जैसा कि वीडियो में आप देख रहे हैं, पंजाब नेशनल बैंक का अकाउंट नंबर डला हुआ है, मोबाइल नंबर डला हुआ है। आप इनसे अगर मदद कर सकते हैं, तो मैं दोबारा कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इनकी मदद करने की कोशिश की जाए, जिससे इस बच्चे का इलाज हो सके और इनका माँ बाप का पेट भी भर सके। क्योंकि इनकी गरीब स्थिति इतनी है कि ये लोग ना तो बच्चे का इलाज करा सकते हैं, और इनके पास रहने तक का मकान नहीं है, किराए के मकान में रहते हैं, उसका भी किराया पड़ा पाना भी मुश्किल है। इनकी जो बच्ची की माँ है, वो दूसरों के घरों में काम करके अपना पेट भरती है बच्चों का, और भी, और इसका भी जो भी थोड़ा मोटा इलाज है वो भी कराती है। इस बच्चे की पोजीशन ये है कि ये बिल्कुल ही अनाज नहीं खाते, सिर्फ थोड़ा मोटा दूध पी करके अपना पेट भरते हैं। इसका आप देख रहे हैं बॉडी का, ये 10 साल का बच्चा है। इसके हाथ पैरों की पोजीशन देखिए, इसका चेहरा देखिए, आप खुद ही देखकर हैरान हो रहे होंगे कि 10 साल का बच्चा कैसा है, क्या पोजीशन है। तो मैं अपील करता हूँ दोबारा कि इनकी किसी तरीके से मदद की जाए। अगर कोई पैसा बैंक में डालना चाहता है, तो वीडियो में आपका अकाउंट नंबर है,
मोबाइल नंबर है, इसी तरीके से आप इनकी मदद कर सकते हैं। किदवई नगर से डेली न्यूज चैनल के लिए कैमरामैन मनीष के साथ मैं रशीद अली साहब फौजी, जय हिंद।